टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत नहीं होने की वजह से ऐसा लगा कि वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन ओमान को केवल 19 गेंद में करारी शिकस्त देने के बाद इंग्लैंड फिर से सुपर 8 के लिए तैयार है। नमस्कार, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। एंटीगा में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के 28वें मैच में इंग्लैंड की टीम ने ओमान को 8 विकेट से जोरदार प्रदर्शन करते हुए हरा दिया। जोस पलटकर की टीम ने पहले ओमान को 47 पर ढेर किया, फिर इस छोटे से लक्ष्य को केवल 19 गेंद में ही अपने हिस्से में कर लिया। इस शानदार प्रदर्शन के बाद अब इंग्लैंड की सुपर हिट में क्वालिफाई होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस मैच में जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई वह है आदित्य रशीद। इन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से पहले लोगों को दिल जीता और इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बता दें कि राशिद ने 4 ओवर में महज 11 रन देकर 4 विकेट चटकाए। ऐसा देखा जाए तो इंग्लैंड का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था। उसका पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया और फिर ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें बुरी तरीके से हरा दिया था, इसलिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उनका जीतना बहुत जरूरी था। मैच की बात करें तो जॉर्ज वाल्टर ने टॉस जीतकर ओमान को पहले बल्लेबाजी का नेता दिया था और उसके बाद मार्क वुड और चोपड़ा आर्चर ने मिलकर ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि ओमान के हिस्से हार आई। बता दें कि ओमान की टीम ने केवल 25 रन पर 4 विकेट गवा दिए। फिर आदिल रशीद ने ओमान के मिडिल ऑर्डर को अपनी फिरकी में ऐसा फंसाया कि उन्हें घुटने टेकने पड़े और पूरी टीम केवल 47 रनों में ही ढेर हो गई। इंग्लैंड ने जब अपनी पारी खेली शुरू की तो ओपनर फिल सॉफ्ट ने अपनी पारी में पहले 2 गेंद को 2 छक्के जड़कर ओमान के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। हालांकि इसके बाद वह आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बिल जैक्स आए, लेकिन 7 गेंद में 5 रन बनाकर ही आउट हो गए। जैक्स के आउट होने के बाद कप्तान वाल्टर ने कमान संभाली और सबको हैरान करने वाली पारी खेली। उन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से केवल 8 गेंद में 24 रन जर दिए और 2 विकेट के नुकसान पर केवल 19 गेंद में लक्ष्य को पूरा किया। बहरहाल इंग्लैंड ने अपने बेहतर प्रदर्शन से ओमान को करारी हार दी और सुपर हिट में अपनी जगह बनाने की उम्मीद लोगों में जगाई। ऐसे ही रोचक मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।